प्रदेश की 26 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के पहले गद्दारों को हराओ का नारा देकर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कंप्यूटर बाबा के दोनों आश्रमों को गिराने की तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इन आश्रमों की वीडियोग्राफी के साथ नपती करवाई है। इनमें सरकारी जमीन पर कब्जा मिला है। उधर कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि सरकार मठ मंदिर वाले आश्रमों पर कार्रवाई करेगी तो साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री निवास के बाहर धूनी रमाकर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में नामदेव दास त्यागी ने कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया था। सरकार बनते ही कंप्यूटर बाबा को नदी न्यास का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज़।